हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्न। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई जो इस बार एग्जाम होने हैं टर्म वन के, वो एमसीक्यू बेसिस पे होने हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस पे होना है एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, इसमें अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता कि ये जो एग्जाम होना है इसका जो सोल्यूशन होगा, मतलब जो आंसर शीट जो होगी, उस आंसर शीट को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और वो आंसर शीट कैसी होगी। तो उसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए सीबीएसई ने एक अलग से नोटिस जारी किया और उस नोटिस में सीबीएसई ने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो आंसर शीट है, जो ओएमआर शीट होगी, उस ओएमआर शीट को आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब कि कैसे आपको उसको फिल करना है और उसमें आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रख के उसको फिल करना है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स, हम लोग उसी ओएमआर शीट को ही पूरी तरीके से डिटेल में देखेंगे कि कैसे उसको हमें फिल करना चाहिए। स्टूडेंट्स आइए और देखते हैं कि उस ओएमआर शीट को आपको कैसे फिल करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया था, ये 6 नवंबर को जारी किया था। आप देख सकते हैं, डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म वन एग्जामिनेशन, उसके एग्जामिनेशन रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे ओएमआर शीट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको किस तरीके से आपको करना है, तो वो मैं चीजें आपको साथ डिस्कस कर लेता हूं। इसमें आप देख सकते हैं ये सारा इंस्ट्रक्शन, सीधे मैं चलता हूं ओएमआर शीट के ऊपर और वहां आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये ओएमआर शीट है स्टूडेंट्स, ये एक सैंपल ओएमआर शीट है और ऐसी ही शीट आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी और वो जो ओएमआर शीट होगा वो पूरा ब्लैंक होगा। उसमें आपको क्या क्या चीजें फिल करनी होंगी वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उससे भी पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये बात बता दूं कि ये ओएमआर शीट को जो फिल करना है, ये आपको दो ही पेन का यूज करके करना है, या तो वो ब्लैक बॉल पेन हो या तो वो ब्लू बॉल पेन हो। यहाँ पे देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इसके अलावा जेल पेन का यूज ना करें, किसी और कलर का पेन यूज ना करें, पेंसिल का यूज ना करें। तो इसीलिए आपको पूरे ध्यान से एग्जामिनेशन से पहले आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस ओएमआर शीट, सैंपल ओएमआर शीट का यूज करके आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको। इसमें सबसे पहले रोल नंबर, और यहां पे देखिए यही रोल नंबर वर्ड्स में भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है 1,26,81,458, तो वही यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है। तो उसके बाद वहां पे एग्जामिनेशन जिस डेट पे है और डे है, ये दोनों चीजें भी आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर नंबर, ये सबसे पहले सेंटर नंबर है, ये सब आपको एडमिट कार्ड पे गिवन रहेगा, सेंटर नंबर और यहाँ पे उसका नेम, सेंटर का नाम, ये आपको इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है। इसके बाद सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम यहां पे डालना है। ये बिल्कुल आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बार बार बता रहा हूं मैं, एग्जाम में इस चीज की गड़बड़ी मत करना आप। यहां पे कैंडिडेट नेम, मतलब आपका नाम, पूरा नाम जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो आपको फिल करना है। यहां फादर्स नेम डालना है, इसमें मिस्टर मिस ये सब चीजें आपको नहीं डालनी है, अवॉइड करना है उस फादर्स नेम, यहां पे आपको डालना है। और यहाँ पे स्कूल कोड, स्कूल का जो कोड है आपका और स्कूल का जो नेम होगा। अब यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये जो सेंटर नंबर और सेंटर नेम और स्कूल कोड, स्कूल नेम, ये मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगा, क्योंकि आपका अपने ही स्कूल में सेंटर पड़ेगा, इसलिए ज्यादातर ये चीजें सेम होंगी आपकी। तो ये आपका जो इंफॉर्मेशन होगा, ये आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको ये, जब ओएमआर शीट आपको मिलेगी उस वक्त आपको इसको फिल कर लेना है। ये बात हो गई। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पेपर कोड, यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन पेपर कोड है, ये जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड होगा, वो भी स्लैश करके कुछ इस तरीके से होगा, 3 उससे पहले डेटा, उसके बाद यहाँ पे एक डिजिट होगा कुछ और यहाँ पे कुछ और होगा, वो आपको क्वेश्चन पेपर में देख के फिर आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कौन सा सही तरीका है ओवल करने का और कौन सा गलत तरीका है। जो आंसर शीट, इसमें देखिए 4 आपको सर्कल मिलेंगे, तो इसमें आंसर जो करेक्ट आंसर होगा उसके लिए आपको ओवल करना है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के लिए ये 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, तो इसमें 4 में से किसी 2 में आपको ओवल नहीं करना है, जो आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है ए बी सी डी में से, उस एक पे ही सिर्फ आपको ओवल करना है,
बाकी तीन चीजें आपको ब्लैंक छोड़नी है। ये सारे आपके देखिए गलत तरीके हैं, दो एक में फिल कर दिया, या तो आपने ब्लैंक करके यहाँ पे टिक लगा दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे दो पे गोला करके फिर आपने टिक लगाया, ये भी गलत है। या फिर आपने इस तरीके से किया, पूरा बीच में खाली छोड़ दिया, वो भी गलत तरीका है। तो ये सारे आपको गलत तरीके दिखाए गए हैं और सही तरीके आपको यहाँ पे ये। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आपको पहले चार क्वेश्चन है तो उसका आपको यही ऑप्शन टिक लगाना है। ये सिर्फ एक सैंपल है, आपका क्वेश्चन जो नंबर वन है उसमें ए बी सी डी में से कोई भी सही आंसर हो सकता है, तो इसमें चारों में से किसी एक में आप ओवल करेंगे और उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में करते जाएंगे जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट के भरोसे नहीं रहना है आपको जब ये ओवल कर रहे हो। आपको हर पांच क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उन पांच को पहले ओवल कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना है तो यहां पे देख सकते हैं आप टोटल 60 क्वेश्चन के बारे में यहां पे ओवल करने का दे रखा है, मतलब 60 क्वेश्चन के लिए यहां पे आपको स्पेस है। लेकिन आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि 60 क्वेश्चंस हो, क्या पता किसी के एग्जाम में 40 क्वेश्चंस हो, किसी के एग्जाम में 50 क्वेश्चंस हो, किसी के एग्जाम में 45 क्वेश्चंस हो। तो आपको सिर्फ उन 45 क्वेश्चंस को ही ओवल करना है, बाकी चीजों में नहीं भरना। ये पता चला कि सारे क्वेश्चन में अकड़ बकड़ बंबई बॉस सी नंबर पूरे 100 करके आपने सब जगह फिल कर दिया, वो गलत हो जाएगा। इसमें सबसे पहली बात आपको मैंने बताया कि जितने क्वेश्चंस हो वही सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं और बाकी चीजें ब्लैंक छोड़नी है, पहली बात। दूसरी, वहां पे सेक्शन वाइज आपका क्वेश्चन पेपर होगा तो हर सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो उस सेक्शन के स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, उसको भी ध्यान से पढ़ के और उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर 12 क्वेश्चन है उसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं तो 10 ही पहले 10 अटेम्प्टेड क्वेश्चन ही चेक होंगे, लास्ट के दो चेक नहीं होंगे, इसका ध्यान रखना बहुत। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक आपको ब्लैंक बॉक्स मिल रहा है। यहां पे ये जो ब्लैंक बॉक्स है स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन है, इस क्वेश्चन नंबर वन का आपका बी करेक्ट ऑप्शन है, तो बी को आपने सबसे पहले यहां पे इसको ओवल कर लेना है। आपको ये आपने इस तरीके से इसको पूरा ओवल कर दिया और यहां पे आपको ये बी जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो यहां पे बी ऑप्शन डालना है। जैसे मान लीजिए 6 क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन है करेक्ट, तो यहां पे सी करेक्ट ऑप्शन पे आपने ओवल कर दिया और उसके बाद यहां पे आपको सी ऑप्शन लिख देना है। अगर आप सिर्फ ये ओवल कर दें और ये खाली छोड़ दें तो इस ऑप्शन को अगर आपने इस तरीके से किया तो सीबीएसई इसको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में कंसिडर करेगा, या तो आपने सिर्फ अगर सी भी अगर आपने लिखा तो भी इसको अनअटेम्प्टेड मांगेगा अगर आपने यहां पे ओवल नहीं किया होगा। इसीलिए आपको इसका पक्का ध्यान रखना है कि आपको ये चारों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको ओवल करके यहां पे आपका ऑप्शन डालना है। ये बात पहली हो गई। और अगर आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है, यहां पे देखिए डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको यहां पे गोला लगाना है। 50वां क्वेश्चन मान लीजिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 50वें क्वेश्चन को यहां पे ओवल करना है, इस चीज का ध्यान रखना, तो ये दोनों चीजें ब्लैंक रहेगी। और अगर आपने कोई भी चीज फिल नहीं किया तो सीबीएसई उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के तौर पर कंसिडर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको पहले कुछ सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करके ये ओएमआर शीट को अच्छे तरीके से जरूर भरना चाहिए। यही चीज यहां बता रहा है कि 4 सर्कल्स फॉर रिस्पांस, 4 सर्कल में से किसी एक करेक्ट ऑप्शन को ही आपको फिल करना है ओवल को पूरी तरीके से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। फॉर राइटिंग रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन पे आपने ओवल किया है वही यहाँ पे ऑप्शन लिखना, पता चला आपने यहाँ पे सी पे ओवल कर दिया और यहाँ पे ए बी डी में से कोई एक डाल दिया तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको खाली छोड़ा है, वो नहीं किया है, तो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन में ओवल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से नीचे देखिए, आपको ये भी आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको इसको भी भर लेना चाहिए। यहां पे क्या लिख रहा है कि जो ये स्टेटमेंट है या आपको जो कैंडिडेट जो भी आप स्टूडेंट है आपको अपनी भाषा में यहां पे उसको अपनी राइटिंग में लिखना है, अपनी भाषा में नहीं मतलब अपनी राइटिंग में आपको यहां पे लिखना चाहिए और यहां पे आपको पहले ही इसको साइन सिग्नेचर कर लेना चाहिए। और ये सब जो नीचे है ये एग्जामिनर के लिए है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट डाउन करके इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना चाहिए आपका जो एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम उससे पहले। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ कर रहे हैं और गड़बड़ करेंगे आगे।
इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि इस ओएमआर शीट, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको ये ओएमआर शीट मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए, 8-10 शीट प्रिंटआउट निकाल के उसको पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर लेके उसको प्रैक्टिस करिए। इससे आपका प्रैक्टिस, उससे ये भी पता चल जाएगा आपको कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और साथ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओएमआर शीट में कैसे आपको फिल करना चाहिए, कि अगर यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्योंकि ये ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से करना है तो एक बार अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो उसको आपको ठीक करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए इसको आपको पहले प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास भी इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ अगर सजेशन है तो कमेंट करके जरूर सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट हो सके। और वो बोलते हैं ना कि कर भला तो हो भला, तो इसीलिए अगर आप सबका भला करेंगे तो आपका भी भला डेफिनेटली होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। Bye-bye.